माने नहीं माने हम बात करते हैं ऑपरेशंस और रेशनल नंबर्स। ऑपरेशन और रेशनल नंबर्स में बात करने से पहले हम इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स को देख लेते हैं। इंटीजर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स जिन्हें हम ये 3/1 यानी फ्रैक्शन फॉर्म में भी जो नंबर्स आते हैं वो हमारे इंटीजर्स में काउंट होते हैं। 3/1 वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, इसे हम इंटीजर नंबर कह सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं, राइट। इस तरह से हम राइट करते हैं -9/1, ठीक है, -9/1 ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, -9, ये भी हमारा इंटीजर काउंट कहलाता है। अगर हम बात करते हैं इस तरह से रेशनल नंबर्स की, रेशनल नंबर्स में जो हमारे पास फॉर्म्स आते हैं वो हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि हमारा क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। सपोज़ यहाँ पे ये हमारी रेशनल नंबर की भी फॉर्म है, जिसे ये इंटीजर्स भी हम इसे कह सकते हैं, इज इक्वल टू 1। अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म को देखें तो ये हमारे रेशनल नंबर को भी शो करती है। सपोज़ अगर मैं राइट करती हूँ 0/3, ये हमारे पास ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और इसमें क्या है कि हमारे पास ये हमारे रेशनल नंबर को फॉर्म आउट करते हैं, ये हमारे इंटीजर भी है। इस अगर 3/0 को राइट कर दिया जाए तो ये हमारे पास क्या है, एक अनडिफाइंड नंबर है। अनडिफाइंड नंबर में क्या है, किस लिए, क्योंकि हमारी कंडीशन होती है क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, हमारा रूल है वो के क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी ये जो टर्म है, ये हमारा जो फ्रैक्शन फॉर्म है, ये अनडिफाइंड है। अपॉन में ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ज़ीरो को काउंट नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस और रेशनल नंबर। सबसे पहले बात करते हैं हम एडिशन की। एडिशन, रेशनल नंबर्स को ऐड करने का तरीका, सपोज कर लेते हैं ए जो है वो ए और बी दो नंबर्स ले लेते हैं जो बिलोंग करते हैं किसको, रेशनल नंबर्स को। ए प्लस बी बिलोंग्स टू क्यू, यानी ए और बी दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो वो कोई ना कोई रेशनल नंबर ही होगा हमारे पास। सपोज कर लेते हैं ए जो है वो हमारे पास 3/5 है और बी जो है वो हमारे पास 4/5 है। तो इससे हम क्या करते हैं, ऐड करके चेक कर लेते हैं। अब इस ये हमारे पास आ जाएगा 3/5 प्लस 4/5। अब इसमें 5 जो है वो हमने एलसीएम ले लिया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3+4, राइट। 3+4 इज़ इक्वल टू 7/5। 7/5 जो है ये भी हमारे पास एक रेशनल नंबर है, यानी ए और बी को अगर हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास कोई ना कोई रेशनल नंबर को ही शो करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में हमारे पास क्या आ जाता है, सब्ट्रैक्शन जो है, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, माइनस कर देना, निकाल देना। सब्ट्रैक्शन में हमारे पास सपोज कर लेते हैं ए और बी कोई से भी दो नंबर्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं किसको, क्यू को। तो ए माइनस बी जो है वो भी बिलोंग करेगा किसको, हमारे रेशनल नंबर को। ठीक है, हम कोई से दो नंबर्स ले लेते हैं, वो हमारे पास कौन से नंबर्स आ जाते हैं, सपोज कर लेते हैं ए जो है वो हमारे पास 9/5 आ जाते हैं और बी जो है सपोज कर लेते हैं वो हमारे पास है 3/5, राइट। अभी हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी, हमने फाइंड करना है, तो वो हमारे पास है 9/5 माइनस 3/5। एलसीएम लेंगे, हमारे पास सेम डिनोमिनेटर आ रहा है, तो एलसीएम 5 आ जाएगा, 9 माइनस 3 दैट इज़ इक्वल टू 6/5। ये हमारे क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी किसकी, रेशनल नंबर की। हमारे पास आंसर आया 6/5, और 6/5 जो है वो कोई ना कोई रेशनल नंबर ही है। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम।